योगी आदित्यनाथ ने ये प्रिसाइजली कह दिया है, बता दिया है कि कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर देखिए, ये आप फ्लैग मार्च देख रहे हैं। ये फ्लैग मार्च इसलिए किया जा रहा है जिससे कि हालातों पर पूरी नजर रहे और जो तनावपूर्ण स्थिति है उसमें गलती की गुंजाइश अब नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया है, गलती की गुंजाइश नहीं है और यही वजह है कि फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये पूरे रोड से फ्लैग मार्च करके सीधा मैसेज है, सीधा संदेश है कि अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, तो तस्वीर हमने आपको दिखा दी, बता दिया कि किस तरह से पुलिस की डिप्लॉयमेंट और पुख्ता और मजबूत कर दी गई है। लेकिन चलिए अब आपको जरा बैकग्राउंड स्टोरी भी दे देते हैं। ये तो हमने आज दिन भर क्या हलचल रही, क्या हालात हैं, किस तरह का माहौल है, कैसे हिंसा से हाहाकार मचा हुआ है, ये हमने आपको बताया। लेकिन चलिए आप पूरे दिन भर का अपडेट भी आपको दे देते हैं, आपको बता देते हैं कि कल हुआ क्या था, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। दरअसल कल जो है दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन हो रहा था, उसके लिए यात्रा निकाली गई थी। नवरात्र खत्म हुए, यात्रा निकाली गई विसर्जन के लिए। महसी में डीजे बजाने पर दो गुटों में विवाद हुआ। अब आप सोच रहे होंगे डीजे ही तो बजा रहे थे, इतना बड़ा विवाद कैसे होगा। लेकिन इस विवाद ने बड़ा रूप इसलिए ले लिया क्योंकि विवाद बढ़ने पर मुस्लिम गुट ने यहां पर भीड़ इकट्ठा कर ली। मस्जिद के पास विसर्जन यात्रा जैसे ही पहुंची, पथराव शुरू हो गया। मस्जिद के पास पहुंचते ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से फायरिंग भी कर दी गई। सिर्फ पथराव तक सीमित नहीं रहा, गोलियां चल गई। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, दो लोग घायल हुए हैं। हिंदू युवक की हत्या के बाद मामला और खराब हो गया, क्योंकि आप सोचिए पथराव तक सीमित रहता तो शायद तुरंत हालात तुरंत नियंत्रण में आ जाते, लेकिन मौत के घाट उतार दिया गया एक शख्स को घटना वाली जगह पर। उसके बाद गुस्से में लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला, लेकिन करीब 25 से 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। इलाके में भारी फोर्स की तैनाती, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि कैसे फ्लैग मार्च भी निकाला गया है हालातों को नियंत्रण में करने के लिए। लेकिन आपको बताएं, तस्वीर एक और दिखा देते हैं। चलिए, किस तरह से पथराव हुआ है जरा उसकी भी आपको तस्वीर देखनी चाहिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ये रात की तस्वीर है, ये आप देख रहे हैं विसर्जन यात्रा निकली हुई, और इस तरह से जब यात्रा वहां पहुंचती है, विशेष समुदाय से जुड़ा एक इलाका है, वहां पहुंचती है और कैसे पथराव होता, कैसे भाग दौड़ मच जाती है, आपाधापी मच जाती है। जरा फुल स्क्रीन करिएगा, एम्बियंस भी सुनाइए कि किस तरह से भाग रहे लोग। तो ये जो हिंसा भड़क रही है, ये ऐसा लग रहा है कि एक पूरा मॉड्यूल है जो बार बार फॉलो किया जा रहा है। मैं बार बार क्यों कह रही हूँ कि ये प्रैक्टिस है, क्योंकि दंगा भड़काने की साजिश थी और वैसा होता दिखाई भी दिया। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा में बहराइच सुलग रहा है। तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। हिंसाग्रस्त इलाके में चारों तरफ उपद्रव, तोड़फोड़ और आगजनी का मंजर दिखा। जैसे जैसे समय बीता हंगामा बढ़ता ही गया। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, कैसे आक्रोशित भीड़ चारों तरफ तबाही मचा रही है। रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है सब कुछ तबाह होता जा रहा है। इलाके की दुकानें, शोरूम और अस्पताल, सब कुछ हिंसा की आग में जलता दिखा। बहराइच में भड़की हिंसा के दौरान एक शख्स की जान चली गई, जिसके बाद हंगामा और बढ़ गया। वहां मौजूद भीड़ और भी उग्र हो गई। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि पुलिस और प्रशासन को हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। इलाके में फोर्स की तैनाती बढ़ानी पड़ी। मैम, क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा की आग में पूरा बहराइच जल रहा था और उसका धुआं लखनऊ में घुटन पैदा कर रहा था। यही वजह है कि सीएम योगी ने बड़े अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। योगी के आदेश के बाद बहराइच में ऑफिसर्स ने डेरा डाला और ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हिंसा के दौरान किस तरह की तस्वीरें सामने आई, आपको बता दें कि मर्डर हो गया।
आप सोचिए कि डीजे की आवाज ऊंची हो, कोई यात्रा गुजर रही हो, कुछ झड़प होती है, कुछ बातचीत होती है, समझ में आता है, लेकिन आप किसी को मौत के घाट उतार दें, ये किसी की समझ में नहीं आएगा। और यही वजह है कि हंगामा इसी को लेकर हुआ है। चलिए आपके सामने जानकारी रख रहे हैं, तो बताएं आपको कि बहराइच में एक शख्स की हत्या कर दी गई। 22 साल का, महज 22 साल का लड़का था जिसकी हत्या कर दी गई। राम गोपाल मिश्रा के तौर पर उसकी पहचान हुई। और ऐसे ही घर के अंदर, बाहर तो हिंसा चल रही थी, ऐसे ही घर के अंदर ले जाकर तड़ातड़ गोलियां मार दी गई, उसको पीटा गया और मौत के घाट उतार दिया गया। बाहर यात्रा जब जा रही है और उस दौरान हिंसा हो रही है और उसके बाद ये किया गया। ये जो आप देख रहे हैं ना सीन क्रिएट, ऐसा ही हुआ है, क्योंकि एक घर में ले जाकर बुरी तरह से पीटा गया है और मुस्लिम समुदाय के लोग उसे उठा के ले गए क्योंकि वहां पर विरोध हो रहा था। इसलिए राम गोपाल के शरीर पर चोट के 15 निशान हैं। किस बुरी तरह पीटा गया होगा आप जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए। बाहर हो हल्ला हो रहा था, कोई समझ नहीं पाया कि अंदर किसी को मार दे रहे हैं, मौत के घाट उतार दे रहे हैं। राम गोपाल के शरीर पर गोली मारी गई, बताया जा रहा 15 राउंड फायरिंग की गई है। गोली मारने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए, वहां से निकल लिए, भीड़ का फायदा उठा के बच गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में इस वक्त दबिश दे रही है, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। चलिए आपको जरा दिखा देते हैं जिस 22 साल के लड़के का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसने अपनी जान गंवा दी है, जरा उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतने छोटे लड़के को, ये देखिए, ये मारकर ऐसे घसीट कर ले जाया जा रहा है सीढ़ियों से। हम आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकते, मजबूरी हमारी की ब्लर करके हमें दिखाना है, लेकिन आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि बाहर हो हल्ला हो रहा है, एक शख्स को गोलियों से भून दिया गया और उसे कैसे सीढ़ियों से घिसट के ले जाया जा रहा है। ये तक देखिए, बंदूक दिखाई दे रही, बंदूक दिखाई दे रही है। आखिर बंदूक का इंतजाम क्यों किया गया था पहले से? क्या कोई बड़ी तैयारी थी? ये अपने आप में सवाल बना हुआ है, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। लेकिन परिवार के लिए तो उनका अपना छिन गया ना, उनका अपना चला गया इस दुनिया से। हिंसा में अगर आप सोचिए कि हो हल्ला हो रहा है, ये सब समझ में आता है, सब समझ में आता है, विरोध समझ में आता है, झड़प समझ में आती है, लेकिन किसी की जान चले जाना क्या किसी को समझ में आएगा? अपना चला जाने पर सब कुछ खत्म हो जाता है। यही हुआ इस परिवार के साथ। बहराइच की हिंसा में एक पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया है। उनके लिए तो ये दंगे के दर्द जैसा हो गया। मृतक राम गोपाल पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी, इकलौता था कमाने खाने वाला। हिंसा ने इस परिवार से उसका चिराग छीन लिया, सहारा छीन लिया है। अब परिवार किसके सहारे रहेगा? सोचिए, 2 महीने पहले राम गोपाल की शादी हुई थी, कुछ ही वक्त था, 2 महीने पहले शादी हुई और उसके बाद अब उसे मौत के घाट उतार दिया गया। शादी के बाद ये पहला दशहरा था, त्योहार मनाया जा रहा था, उत्सव का माहौल था इस घर में। शादी के बाद अमूमन ये होता है कि 1 साल तक जो भी त्योहार आते हैं उसे उत्सव की तरह मनाया जाता है और वैसा ही हो भी रहा था इस परिवार में। लेकिन परिवार ने अब सीएम योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की मांग की है, कहा है कि बाबा का जो बुलडोजर मॉडल है, बाबा का जो एनकाउंटर मॉडल है, वो इनके साथ किया जाए, एनकाउंटर किया जाए इन आरोपियों का जिन्होंने मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों के घर पर बुलडोजर भी चलवाना चाहता है परिजन, क्योंकि उनकी ये मांग है कि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने को खो दिया।